में हुआ एक बड़ा हादसा जिसमें कई लोगों की जान गई और कई लोग घायल हुए, लेकिन शुक्र है ये सिर्फ एक मॉक ड्रिल था। टाइम नोट होता है भाई, टाइम से टाइम में मत खड़े हो। आप क्या लेके आए हैं? क्या लेके आए हैं आप? ड्रिल में अहम रोल निभाने वाले सिविल डिफेंस के एक सीनियर से बात करते हैं कि मॉक ड्रिल क्या है। सर, मॉक ड्रिल क्या होती है? मॉक ड्रिल एक बनाया हुआ डिजास्टर या किसी भी प्रकार की घटना या दुर्घटना कह सकते हैं हम, उसको हम क्रिएट करते हैं और उसमें ये बताया जाता है कि आपको किस प्रकार से हम बचा सकते हैं, किस प्रकार से निकाल सकते हैं। जैसे मॉल वगैरह हो गए, मॉल में कोई आपातकालीन दौरान नहीं होता, हम मॉल में कोई कैजुअल्टी फंसी होती है, बम ब्लास्ट होता है या कुछ होता है, तो हम कैजुअल्टी को कैसे निकाल सकते हैं, उनकी जान माल की हानि को कम कर सकते हैं कैसे, तो इसलिए हम मॉक ड्रिल करवाते हैं हर जगह। स्कूल हो, कॉलेज हो, इंस्टीट्यूट हो, इंडस्ट्रीज हो, मॉक ड्रिल बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है इस चीज़ों का, क्योंकि ये बनावट है, हम बनावटी काम करवाते हैं, उस दौरान हमारी सारी एजेंसीज काम करती हैं। जैसे कि हमारा फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस सर्विस, हॉस्पिटल सर्विस, DDMA, PWD, हमारी सारी एजेंसी को सूचना दी जाती है। सबसे महत्वपूर्ण हमारा स्पीड है, सबसे महत्वपूर्ण होता है हमारा स्पीड है, हर परिस्थिति में लोगों की मदद करना, लोगों की जान माल की हानि को कम करना, यही एजेंसी है हमारी। जाना होता है या इसकी टाइमिंग डेट या फिर पर्टिकुलर जैसे डिपार्टमेंट है? ये अचानक होने वाली डील है और इसकी सूचना उसी डिपार्टमेंट को होती है जो मैच करवाता है, बाकी ये किसी डिपार्टमेंट को सूचना देती है, अचानक होती है। सिविल डिफेंस की सबसे मेन भूमिका है किसी भी के दौरान किस डिपार्टमेंट की मेन भूमिका होती है? सर, इसमें डिपार्टमेंट कोई नहीं होता है, एक हमारे रेवेन्यू डिपार्टमेंट है जिसके हमारे DM और ADM होते हैं, ICO इंसिडेंट कमांड ऑफिसर, वही इसको ऑर्गेनाइज करते हैं, इसी इन्हीं को सूचना होती है, बाकी किसी डिपार्टमेंट को सूचना नहीं होती और जो डिपार्टमेंट करवाता है उसको सूचना होती है। ड्रिल जागरूकता के लिए किया जाता है जिसमें अगर किसी प्रकार का हादसा हो जाए, भूकंप आए, तो आपको क्या करना है, कैसे बचना है, कैसे बचाना है।